हाय गाइस, वेलकम टू एम्सा फार्म एक्वाफोनिक्स। ये मेरा पूरा एक्वेरियम का सेटअप है और ये सेटअप पे मैंने सारे शिमला मिर्च के प्लांट लगाए। ये आपको पहले मैंने शेयर किया था दोस्तों, मैं वापस आज शेयर करने वाला हूँ। ये शिमला मिर्च का ग्रोथ है और ये मैंने पहले शेयर भी किया था। यहाँ पे कैप्सिकम लग गया है, ये कैप्सिकम चालू हो गया यहाँ पे लगने के लिए। पूरा ऑर्गेनिक है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि ये टैंक के अंदर मैंने दो तिलापिया फिश छोड़े थे, एक मेल एंड फीमेल। तो आज आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं देखा रहेगा, जो इनका प्रोडक्शन चालू हो गया है। मतलब उन्होंने छोटे छोटे पिल्ले दिए, अगर आप इसको देखोगे तो ये छोटे छोटे यहाँ पे पिल्ले हैं, ये दिख रहा है आपको? यस। तो ये जो बड़ी तिलापिया है ये वो फीमेल है और ये उसके सारे छोटे छोटे फिशेस उन्होंने दिए। तो अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो आप खुद कर सकते हो। आप सिर्फ मेल एंड फीमेल को आपको अलग रखना है तो आपकी ब्रीडिंग आपको मिल जाएगी। ये छोटे छोटे फिश है, देखो कैसे देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा पे। उनका एक्चुअली अभी फूडिंग टाइम हो गया है, उसको अभी खाना देने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं खाना दूंगा। पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आपको, आपने तिलापिया मान लो ले लिए फिश फार्म से, तो आपको अलग वापस आपको तिलापिया के लिए फिश फार्म जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आज मैं वही आपको दिखा रहा हूँ कि आप खुद के खुद उनकी पिल्ले आप पूरा पैदा कर सकते हो। सिर्फ आपको मेल एंड फीमेल को अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना है, पूरे मतलब मिक्स तिलापिया को नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। तो आपको छोटे छोटे पिल्ले मिल जाएंगे। सिर्फ आपको वाटर मेंटेन करना है, उनको जो चाहिए वो खाना देना है, अच्छा खाना देना है, तो आपको ऐसा ये ब्रीडिंग मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये जो पिल्ले हैं वो 20 दिन के पिल्ले हैं। 20 दिन पहले वीडियो शेयर करना चाहता था लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाया, जब ये स्टार्टिंग में बहुत छोटे थे। तो ये अभी मैं इनको खाना देने जा रहा हूँ, आप देखो ये देखो ये मैंने फूड लिया है और मैं खाना देने जा रहा हूँ अभी। देखो अभी फिशेस आएंगी और खाना खाएगी। ये बड़े तिलापिया आराम से खा सकते हैं, तो छोटे फिश के लिए मैं उसका क्रश करके उसका ये देता हूँ उनको। देखो आ रही है खाना खाने के लिए। दोस्तों आप घर के अंदर या फिर आपके फार्म में आपको अगर डेवलप करना है तो आप कर सकते हो ये चीज़। ये तिलापे के पिल्ले के आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा रहेगा दोस्तों। तरीके से आप दोस्तों घर के अंदर तिलापिया का ब्रीडिंग कर सकते हो।
आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेल एंड फीमेल को आपको एक साथ रखना है। और ये मैंने उनके लिए स्पेशल सेपरेट अलग से टैंक में उनके लिए छोड़ा था, जो उनके लिए अच्छा है, उन्होंने वो अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। ये सारा यहाँ पे, ये मैंने बबल्स छोड़े, वाटर बबल्स ऑक्सीजन के लिए, एयर बबल्स सबसे बड़ा तिलापिया है, और सारे अभी नीचे से गायब हो गए हैं, खाना खाने के लिए ऊपर आया है सब लोग। देखो यहाँ पे सब जम गए हैं। तो ये बॉटल जो आपको दिख रहा है सामने, मैंने भी पहले शेयर किया था, ये बॉटल में प्लांट्स के रूट्स दिख रहे हैं। ये बॉटल की वजह से फिश खा नहीं पा रही, उसको डैमेज नहीं कर पा रही है। तो ये चीज़ जो मैंने इन्वेंशन की थी बॉटल की, मैंने खुद ये डेवलप किया है, ये सक्सेसफुल रहा है। जो प्लांट्स के रूट डैमेज भी नहीं हो रहे, और डायरेक्ट आप फिश के वाटर में आप बॉटल्स लगा के प्लांट्स को छोड़ सकते हो। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनका ग्रोथ भी हो रहा है और फिश भी बढ़ रही है एक साथ। तो आपको अलग टैंक में, फिश के टैंक में अलग में डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली कैसे होता है कि फ़िश का टैंक अलग हो और प्लांट्स का वाटर सप्लाई किया जाता है, फिर वापस फ़िश टैंक में आ जाता है। उससे अच्छा है डायरेक्ट फ़िश टैंक में लगाया उसको। तो ये वाटर्स को होल्स मार के मैंने किया है, अगर आपको ये देखना है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे एयर लिफ्टिंग किया था, ये अभी भी कंटिन्यूसली सक्सेसफुल है, और इसके वजह से ये प्लांट ग्रोथ भी हो रहे। तो मेनली आज पर्पस था आपको तिलापिया के ब्रीडिंग दिखाने की दोस्तों। तो आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो आप ये शेयर ज़रूर कीजिए आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप शेयर करते रहिए। देखो यहाँ पे नीचे तो आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू फॉर एम्सा फार्म एक्वाफोनिक्स।